the issue of GDP first. इस बार की तिमाही में GDP में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. Estimated GDP for 14-15. A GDP in a particular quarter. Hello दोस्तों. दोस्तों आपने अक्सर न्यूज़ में या अपने आसपास के लोगों के मुंह से GDP के बारे में तो जरूर सुना होगा. न्यूज़पेपर में भी अक्सर ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं, जैसे GDP grows by 7.2% in financial year 2023. तो क्या मतलब है इस चीज़ का? सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये GDP होती क्या है और कैसे ये किसी कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट करता है और क्या GDP का इंक्रीज होना सच में किसी देश में हो रहे डेवलपमेंट के बारे में बताता है. सो गाइज, इस वीडियो के एंड तक आपको ये सभी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं. सो लेट्स बिगिन. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ GDP. GDP की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. दोस्तों अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर. इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं. नंबर 1 इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर 2 इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री एंड नंबर 3 इज स्पैन ऑफ 1 ईयर. इन 3 पार्ट्स को अच्छे से समझने के बाद आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि GDP होती क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट. तो हमने GDP की डेफिनेशन में देखा कि इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अब हम आपको समझाते हैं कि ये जो फाइनल गुड्स नाम की चीज़ है ये बेसिकली होता क्या है. चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज हमारे पास था शुगर केन और हमने शुगर केन का यूज़ करके बना दी है चीनी यानी कि शुगर. तो ये जो शुगर है ये हमारा फिनिश्ड गुड है, लेकिन अब हमने इस शुगर का यूज़ करके बना दिया है बिस्किट. तो अब ये जो बिस्किट होगा ये हमारा फाइनल गुड होगा, क्योंकि बिस्किट को हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं और इसका फर्दर किसी चीज़ को बनाने में भी यूज़ नहीं हो सकता. तो दोस्तों हमें इससे ये पता लगा कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं और जिन्हें हम डायरेक्ट कंज्यूम या यूज़ कर सकते हैं, एंड दे कांट बी यूज़ फर्दर टू मेक अदर गुड्स, जैसे कि एक शर्ट, चेयर, टेबल, TV या फिर एक वॉशिंग मशीन. चलिए अब हम डेफिनेशन के दूसरे पार्ट को समझते हैं, एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री. यहाँ पर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री का मतलब है कि जो भी हमारा फाइनल गुड बना है वो कंट्री की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर ही बना है. सपोज अगर कोई मोबाइल फ़ोन अमेरिका में बना और उसे इंडिया में इम्पोर्ट किया गया तो वो इंडिया की GDP में कैलकुलेट नहीं होगा. चलिए अब हम डेफिनेशन के लास्ट पार्ट को भी समझते हैं, एंड दैट इज इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, जिसका सिंपली मतलब है कि GDP हर महीने, 3 महीने या 6 महीने में कैलकुलेट नहीं किया जाता. GDP हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर का ही कैलकुलेट किया जाता है. और अगर आपको फाइनेंशियल ईयर के बारे में नहीं पता तो बता दें कि एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल के 31 मार्च तक होता है. तो दोस्तों अब इन 3 पार्ट्स को मिलाकर हम समझते हैं कि GDP एक्चुअली एक साल के अंदर कंट्री की टेरिटोरियल बाउंड्री में बने सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को कहा जाता है. सो आई होप आप लोग GDP के बारे में तो काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों. लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये जो न्यूज़ आती रहती हैं लाइक GDP बढ़ रही है या घट रही है, इसका आखिर मतलब क्या है. वेल, अगर किसी कंट्री में GDP ग्रोथ हर साल ऊपर जा रही है तो उसका मतलब ये है कि उस देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यानी कि देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है. लेकिन दोस्तों अगर GDP कम हो रही है तो उसका मतलब ये है कि कंट्री में प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, और जब प्रोडक्शन कम होता है तो सेलिंग भी कम हो जाती है, और सेलिंग के कम होने पर बिजनेसेस भी कम पैसा कमा पाते हैं, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, यानी कि इकोनॉमी डाउन हो रही है. GDP से हमें अपने देश की इकोनॉमिक हेल्थ का पता चलता है, जिसके बेसिस पर ही गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है. चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज के सबसे क्रूशियल क्वेश्चन की. क्या GDP का बढ़ना हमेशा एक कंट्री के लिए अच्छा है, एंड डज इट ट्रूली रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट इन अ कंट्री? क्या हम सिर्फ GDP को देखकर बता सकते हैं कि एक देश कितना डेवलप या पावरफुल है? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ एक सिंपल येस या नो में नहीं दे सकते. हालांकि GDP एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को जानने के लिए, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, बट स्टिल इसकी काफ़ी लिमिटेशंस भी हैं जिन्हें जानने के बाद ये आंसर आप भी बड़ी समझदारी के साथ कर सकते हैं दोस्तों. तो चलिए जानते हैं GDP की कुछ लिमिटेशंस के बारे में. दोस्तों हमने देखा कि जब भी किसी देश में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है तो उस देश की GDP भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, और इस GDP को कहते हैं रियल GDP. लेकिन दोस्तों अगर किसी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय उनका प्राइस बढ़ जाता है तब भी उस देश की GDP बढ़ती है. जी हाँ दोस्तों, जिसे हम कहते हैं नॉमिनल GDP. चलिए आपको ये चीज़ एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझाते हैं. सपोज 2010 में हमने 20 पेन बनाए और एक पेन की कॉस्ट थी 5 रुपये, तो 20 पेन की कॉस्ट को कैलकुलेट करके हमारी GDP की वैल्यू आई 100 रुपये. अब 2011 में हमारा पेन का प्रोडक्शन कम हो गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसका प्राइस बढ़ गया. सपोज इस बार हमने 18 पेन का ही प्रोडक्शन किया, लेकिन अब एक पेन की कॉस्ट थी 7 रुपये, तो सभी पेन्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करके जो हमारी वैल्यू आई वो आई 126 रुपये. तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे प्रोडक्शन कम होने के बावजूद भी जो GDP की वैल्यू थी वो बढ़ गई.
और यही जीडीपी जो कि प्राइस बढ़ने से इंक्रीज हो रही है, इसे ही कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी, जिसे सिर्फ हम नाम की जीडीपी भी कह सकते हैं क्योंकि ये किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं बता सकती। इसीलिए अगर आप न्यूज भी देखें तो जरूर चेक करें कि यहाँ रियल जीडीपी की बात हो रही है या फिर नॉमिनल जीडीपी की। दोस्तों जीडीपी के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जीडीपी एक एग्रीगेट है, ये एक टोटल एवरेज है पूरे देश के लिए। ये आपको नहीं बताता कि देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसी है। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर एक देश में सिर्फ टॉप 10% लोग भी बहुत अमीर हैं, सारा पैसा कमा रहे हैं और पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करके बैठे हैं, तो उनकी स्पेंडिंग से ही जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, इवन इफ देश के 90% लोग काफ़ी गरीब हों और उनके पास खर्च करने के लिए कोई पैसा भी ना हो। इसलिए जीडीपी हमें मनी डिस्ट्रीब्यूशन या इनइक्वालिटी के बारे में नहीं बता सकता। सो जीडीपी ग्रोथ से हम ये नहीं कह सकते कि उस कंट्री के सभी लोगों के पास पैसा है और वे एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जीडीपी के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ जितनी बड़ी होगी उस पर जितना पैसा खर्च किया जाएगा, जितना कंजप्शन बढ़ाया जाएगा उतना ही अच्छा है। लेकिन एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि धरती पर नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। सपोज अगर हम लक्षद्वीप के कुछ अनटच्ड आइलैंड्स पर जाकर वहाँ के सभी जंगल काट दें, सारी वाइल्ड लाइफ खत्म कर देंगे और वहाँ बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज लगा देंगे, तो ये जीडीपी के लिए तो बड़ा अच्छा होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट भी बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। लेकिन क्या ऐसा करना एक देश के लिए एक्चुअली में अच्छा होगा? अब आप लोग तो कहोगे नहीं, पर जीडीपी कहेगा यस। तो अब आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा कि क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है जीडीपी एज एन इंडिकेटर में। चलिए दोस्तों अब जानते हैं आखिर कंक्लूजन क्या है, जीडीपी इम्पोर्टेंट है या नहीं। देखिए इन सभी लिमिटेशंस को जानने के बाद शायद आपको ऐसा लगे कि जीडीपी तो एक यूजलेस चीज़ है, इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जीडीपी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने का। इन सभी लिमिटेशंस के बावजूद भी जीडीपी किसी इकोनॉमी के बारे में एक ओवरऑल अच्छा ओवरव्यू दे सकता है और ये फ्यूचर में भी हमेशा एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ही बना रहेगा। लेकिन इस वीडियो की हेल्प से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या वे चीज़ें हैं जो जीडीपी हमसे छुपाता है और कहाँ इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के लिए जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन उस देश के होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखने के लिए हमें बाकी इंडिकेटर्स को भी अच्छे से देखना चाहिए, जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स, कितनी शांति है एक देश में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स, देश के एनवायरमेंट को सही तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और देश में एक आम इंसान की डेवलपमेंट को जज करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI को भी देखना चाहिए, जिससे एक कॉमन सिटीजन के लिविंग स्टैंडर्ड, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम जैसी चीज़ों का पता चलता है। सो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप अब आपको ये एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर ये जीडीपी होती क्या है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे और आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी बड़े ही सिंपल वर्ड्स में समझाते रहेंगे।